न्यूज़ कवर के दौरान हमारा घूम चक्कर की ओर आना हुआ। जब से हम बाईपास की ओर गुजर रहे थे, हमें एक वाहन है यहाँ खड़ा मिल गया। पहले मैं थोड़ी सी इस वाहन के बारे में जानकारी, मतलब कुछ लिखा हुआ है, एक यूट्यूब चैनल है रॉयल एक्सपेरिमेंट के नाम से, ये चैनल है उनकी, ये गाड़ी है वो बताई जा रही है। मैंने पहले भी इस गाड़ी को कई बार यूट्यूब के माध्यम से और कई बार जयपुर की सड़कों पर दौड़ते हुए देखा है। हमारे साथ पहले तो आपका स्वागत है नवलगढ़ एक्सप्रेस के, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। मेरा नाम दीपक कुमार गुज्जर है और मैं परशुराम प्रवासी विलोम करता हूँ। नवलगढ़ से हो आप? हाँ जी, नवलगढ़ से ही हूँ। और हमारा एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है रॉयल एक्सपेरिमेंट 4, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्रॉपर चैनल सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें भाइयों को, और नए नए इस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट मिल जाएंगे आपको मज़ेदार। हाँ जी, इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट करते हो? एक तो एक्सपेरिमेंट मेरे को भी ये पसंद भी आया है, मैंने एक बार जयपुर के कुछ एक वीडियो देखी जिसमें शायद यही गाड़ी थी। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल यही गाड़ी थी वो। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो अपने थॉट आते हैं माइंड में, कोई भी थॉट आए वो हम यहाँ एक्सप्लेन करते हैं इस चैनल के ऊपर। जैसे कि ये तो कुछ भी नहीं है, एक हमने बनाई 20 फुट की बाइक भी बना रखी है, ऊंची हाइट वाली। अच्छा, उसमें बैठ के अगर सोचोगे अगर वो 20 फुट ऊंची बाइक ओपन चलाएंगे तो कैसा एक्सपीरियंस रहेगा, उसको अपन मार्केट में नहीं उतार सकते क्योंकि जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा हो गई और जो वायर वगैरह उनके ऊपर जो टच हो सकता है तो नुकसान भी हो सकता है। पहली बार ये एक्सपेरिमेंट कहाँ से दिमाग में आया कि इतना जुगाड़ कहाँ से? अपना 2 साल से लगे हुए हैं तो कुपेड़ी दिमाग है, कीड़े चलते रहते हैं। राजस्थान वालों के साथ कहावत सही होगी, सिद्ध होगी कि कहीं ना कहीं काला खोपड़ी का आदमी क्या पता नहीं क्या करता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है वो, बिल्कुल सही बात है। तो ये गाड़ी कैसे बनाई, कितना समय हो गया और कहाँ कहाँ लेकर गए? इसको बनाया था हमने, बनाने में 1 महीने का टाइम लगा था हमें, और इसमें जो खर्चा हुआ था वो लगभग 30-35 हज़ार रुपये समथिंग हुआ था। और यहाँ देख सकते हो, इधर आयो भाई एक मिनट, पर कैमरा मैन साथ ही होगा यहाँ अगर। पहले तो टायरों की बात करें तो एक के ऊपर एक टायर आपको नज़र आ रहा होगा। अब अभी आपको ये लग रहा होगा ये गाड़ी कैसे चलती है, तो इसकी जो खूबसूरत बात ये है कि जो नॉर्मल गाड़ियाँ होती है उस तरह से गाड़ी बिल्कुल भी नहीं चलती। जैसे अपन 1 नंबर 2 नंबर जो भी गियर डालते हैं आगे जाने के लिए, उसमें गाड़ी पीछे चलती है यानी रिवर्स चलती है। अच्छा। और रिवर्स गियर डालेंगे तो आगे चल गई, क्योंकि ये जो सर्किल होते हैं एक दूसरे के अपोजिट हो गए, ये जैसे आगे चलेगा तो ये पीछे नीचे वाला पीछे चलेगा। और एक इसको अगर नॉर्मल गाड़ी की तरह चलाएंगे तो अपन को एक टायर और लगाना होगा, जैसे कि 1 नंबर की में आगे चलेगी गाड़ी और बैक वाले में पीछे चले। तो इसको अभी तक कहाँ कहाँ लेकर गए हैं आपने? 8 टायर तो अभी नॉर्मली हमें बनाए हुए लगभग 2 महीने हो गए, लेकिन इसको हमने नॉर्मल वीडियो बनाकर यूट्यूब पे डाल दिया था, और फिर हमारे जो ऑडियंस है उसका डिमांड आया कि इसको मार्केट में लेके जाओ, जो पब्लिक का रिएक्शन है वो लेके आओ कि यार पब्लिक के अंदर लेके तो जाओ एक बार। तो मैंने आज सोचा कि यार चलो लेके चलते हैं। 2 दिन हो गए हमें घर से चले हुए, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर हमारा घर है, तो वहाँ से हमें 2 दिन हो गए, और 2 दिन में पब्लिक इतनी ज़्यादा कि कोई सेल्फी ले रहे हैं, फोटो ले रहे हैं, मतलब चलने ही नहीं दे रही। पसंद आ गई, मतलब पसंद आ गई लोगों को, इतनी पसंद आई है। और अभी तो मार्केट में लेके आए हैं, मार्केट से थोड़ा बाहर ही है, फिर थोड़ा सा घूम चक्कर भी हमारे से 200-300 मीटर दूर है, वहाँ लेके जाएंगे तो पब्लिक ज़्यादा भीड़ हो जाएगी, गाड़ी वाड़ी जाम लग सकता है। कल रास्ते में नॉर्मल रोडों पर जाम लग रहा था तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो जाएगा किसी को चलते हुए, तो वहाँ ले जाना नहीं चाहते, लेकिन अगर आपकी डिमांड होगी तो वहाँ भी लेके जाएंगे। एक बार हम भी इसकी शेयर करना चाहेंगे कि किस प्रकार ये गाड़ी चलती है, ये बता रहे हैं कि थोड़ा सा बताइए आप, जैसे वहाँ आपने ये सब सिस्टम का एक साथ जुगाड़ बना रहा होगा आप सारा काम? बिल्कुल बिल्कुल, सारा सिस्टम बना रखा है घर पर ही, सारा सिस्टम हमारा, और हमारी पूरी टीम है, 4-5 लोगों की टीम हमारी, और सभी साथ में लगे हुए हैं। आप यूट्यूब पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, मैंने ज़्यादातर युवाओं को कहीं ना कहीं एक बड़ी नौकरी की ओर पीछे भागता देखा है, आपने वो छोड़ कर ये नया एक्सपेरिमेंट? बिल्कुल, पहली बात तो ये, जो इस चैनल पर हम आए तो इससे पहले ज़रूरत होती है अपनी एक मानसिक स्थिति की शुद्धता की, कि अपना टारगेट होना चाहिए लाइफ में कुछ हो। तो पहले मैंने कुछ प्राइवेट जॉब वगैरह की है, उसके बाद में मैंने सोचा यार नहीं यार ये नहीं चलेगा, सरकारी जॉब तो आप सबको पता है यार कि 30-35 हज़ार रुपये नौकरी में कुछ नहीं होने वाला, और अपना जो सपना था वो बहुत बड़ा है लेवल का है, तो मैं इसके ऊपर लग गया। और अभी तक हमारा खर्चे की बात करें तो 17-18 लाख रुपए लग चुके हैं। जब तक ये ऊट पटांग चीज़ें आप बना रहे थे तो घर वालों ने या रिश्तेदारों ने टोका नहीं किया, क्या कर रहा है, क्यों टाइम खराब कर रहा है? पूरे समाज ने टोका, रिश्तेदारों ने टोका, सब मना कर रहे हैं भाई ये गलत है, ये क्या कर रहे हो, ये कोपेडी आइडिया है, मतलब कहीं ना कहीं इस नज़रिए को गलत नज़रिए पर लेके जा रहे हैं। लेकिन फर्स्ट बात ये, मम्मी और पापा ने सपोर्ट किया बढ़िया। हाँ, उन्होंने बोला आपने सपोर्ट किया था, ये मानो सबका सपोर्ट। बिल्कुल, ये माँ बाप का सपोर्ट है, वहाँ पूरी दुनिया का सपोर्ट है अपने पास में, वही अपनी पूरी दुनिया है, और वो अगर मना करते तो हम ये कदम बिल्कुल भी नहीं उठाते, उन्होंने फुल सपोर्ट किया तो आज यहाँ हम। आगे का क्या प्लान कर रखा, क्योंकि दो एक्सपेरिमेंट का प्लान है कि मैं और मेरी पूरी टीम ऐसे प्लान पे लगे हुए हैं कि मार्केट में तहलका मच जाएगा, पूरी दुनिया में किसी ने नहीं किया वो हम करने जा रहे हैं। हाँ जी, एक बार इस गाड़ी की हमारे शेयर करवाइए, थोड़ा सा अपने टीम के भी बारे में बताइए कि कहाँ कहाँ से आपके साथ, गांव के सभी साथी? बिल्कुल, नहीं नहीं अलग अलग से हैं, एक बंदा हमारा गांव का है जो पंकज है, और दूसरा है अपना रोशन गुज्जर जो मेरे मामा जी का लड़का ही है, और तीसरा अपना अंकित भाई, वो अपने दोस्त ही हैं।
भाई आप ये इतना एक्सपेरिमेंट करने के साथ बहुत खर्चा आता, तो ये खर्चे का अरेंज कहाँ से कर पाते हैं? खर्चे का अरेंज तो ये है कि मैंने मार्केटिंग की है, 3 साल मैंने मार्केटिंग की है, उसके दौरान पैसा पहले इकट्ठा किया 3 साल के दौरान, और उसी पैसे से हम अभी लगे हुए हैं। एक बार पीछे की ओर चलते हैं, वो दिखा हैं, वो भी हम सपोर्ट कर रहे हैं, और पीछे भी आपके चैनल का नाम लिखा हुआ है। बिल्कुल, ये इनका चैनल है। मैं एक बार सभी साथी कहूँगा इसको सर्च करके और सब्सक्राइब जरूर की लीजिए, क्योंकि अपने नवलगढ़ से ही हैं और बहुत बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। अभी तो इनकी शुरुआत है, ये बता रहे हैं कि 8 टायरों वाली गाड़ी बना दी है, और एक अच्छी 5 फुट वाली बाइक भी, नहीं 20 फुट वाली, 20 फुट वाली बाइक भी बना दी है। तो और अच्छे एक्सपेरिमेंट देने के लिए खासतौर से इन्हें सब्सक्राइब करेंगे, अपन देखेंगे तो कहने के मोटिवेशनल के रूप में इन्हें आगे बढ़ने का मौका भी नहीं देख सकते हैं कि रॉयल आर्मी इन पर लिखा हुआ है, रॉयल एक्सपेरिमेंट है जी, रॉयल आर्मी का नाम आप देख रहे होंगे, कौन ग्रुप का पूरा नाम है? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हाँ। ये रॉयल आर्मी आप लोगों का नाम है। अच्छा अच्छा, बिल्कुल आप लोगों का नाम है रॉयल आर्मी। जो भी हमारे चैनल पे जितनी ऑडियंस जुड़ी हुई है अभी लगभग 4,500 रुपये से ऊपर होंगी, शायद 4,500 से ऊपर है, तो वो हमारी रॉयल आर्मी के नाम से जाना जाता है। नहीं हम ये बोल सकते ये हमारी ऑडियंस है, ये हमारी रॉयल आर्मी है। तो एक बार अंदर की ओर है, वो थोड़ा सा दिखा दिएगा अंदर क्या, अंदर का क्या सिस्टम है थोड़ा सा एक बार। एक सेकेंड, अंदर का सिस्टम वो एक बार दिखा देते किस प्रकार से मैंने अंदर का डिज़ाइन किया। तो ये देख सकते हो आपको यहाँ सीटें नहीं मिली, सीट ओनली एक मिली ड्राइवर की चलाने वाली, और यहाँ जैसे स्लीपर बसें होती है उसकी तरह हमने पूरा डिज़ाइनिंग किया अंदर से। इसके अंदर सोने का भी सिस्टम, भाई अंदर दिखा दीजिए एक बार, एक बार से तो भाई अंदर का सिस्टम है वो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। अंदर आराम से यहाँ एक बंदा इधर सो सकता है और एक बंदा आराम से इधर सो सकता है, और इसमें सोने व्यवस्था पूरी है। यहाँ कम से कम 3 बंदे आराम से सो सकते हैं और एक बंदा चला सकता है, यानी 4 बंदे आराम से घूम सकते हैं। और यहाँ हमने पानी की पूरी व्यवस्था की है, ये गिलास है, इधर हमारी पानी का एक कैन है, ये भी हमने पूरा जोगाड़ कर रखा है यहाँ। और इसमें चलाकर भी इसको दिखाए तो कि लोग जानना चाहेंगे किस प्रकार चलती है टायर।